नमस्कार बच्चों, आज हम आपको करवाएंगे तत्सम और तद्भव शब्द। क्या करवाएंगे? तत्सम और तद्भव शब्द। हिंदी भाषा में आप निम्नलिखित प्रकार के शब्द संग्रह दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको जब शब्द विचार करवाया था रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, तो आज हम यहाँ पर केवल आपको तत्सम और तद्भव के उदाहरण बताने जा रहे हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी, विदेशी और अन्य शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा से हटके भी अलग होते हैं। इस लेख में हम केवल तत्सम तद्भव शब्दों का विस्तार पूर्वक जानेंगे। तत्सम शब्द की परिभाषा क्या होती है? तत्सम शब्द तत् और सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, उसके समान कोई और शब्द। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं आम्र। आम्र को हम क्या कहते हैं? आम। तो आम्र क्या है? तत्सम। तद्भव उसका क्या हुआ? आम। तत्सम से तद्भव होना, तो ये हमने आज सीखना है। संस्कृत में बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तित नहीं होती और जो संस्कृत से चेंज हो जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत के शब्द हैं अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि। ठीक है, आइए अब आपको हम बताते हैं तद्भव। तत्सम शब्दों में समय से परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं तत्जमा भव, उससे उत्पन्न जो शब्द है, उससे नया शब्द जो उत्पन्न हुआ है उसे कहते हैं तद्भव, यानी कि उससे बने, उससे उत्पन्न हुए नए शब्द। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि हमने यहाँ पे आपके किया था दो शब्दों से तत्सम के समान ज्यों का त्यों, जो संस्कृत से उठा हुआ है और बिल्कुल सीधे वैसे ले लेते हैं। और यहाँ पे आता है जो उससे बने होते हैं, उससे उत्पन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं तद्भव, जो संस्कृत भाषा से उठकर आते हैं। जैसे देखो मुख से मुँह, मुख संस्कृत का शब्द है, ग्राम संस्कृत का शब्द है, दुग्ध संस्कृत का शब्द है, भात्र से भी भाई। तो ये सारे जितने भी संस्कृत के शब्द हैं ये हैं तत्सम शब्द, और जो उनसे नए शब्द बने हैं वो हैं तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव को पहचानने के क्या नियम हैं? आइए इनको पहचानते हैं कि इनके क्या नियम हैं। तत्सम शब्दों के पीछे क्ष वर्ण का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से जिसे हम कहते हैं पक्षी, तो यहाँ हो जाएगा पंछी, हिंदी में छी। तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ का प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे या श्र का प्रयोग संयुक्त व्यंजन जो होते हैं हमारे, जिनको हम कहते हैं उनमें धन श्रेष्ठी, यहाँ आ जाएगा धन्ना सेठी, या श्र स में परिवर्तित हो गया। तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और उसमें स का प्रयोग होता है, दीप शलाका, दिया सलाई। तत्सम शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है, कृषक यहाँ पे हो गया किसान। तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, कृत ग्रह यहाँ पे कचहरी। जैसे कृत ग्रह, आप जब कोई कोर्ट में जाते हैं, कोई कचहरी में काम करवाते हैं, तो वहाँ पर संस्कृत में कहते हैं कृत ग्रह या कचहरी। तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, आम्रे, आम्रे रा की मात्रा, जो नीचे हम नीचे वाली रा की मात्रा बोलते हैं आम। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में वा का, वन यहाँ पे बन। हमने बुक पढ़ी है अपनी वसंत, लेकिन कहने में बसंत भी आता है, वसंत, लेकिन यह वन है और हम इसको हिंदी में कहते हैं बन, जो चेंज हुआ है। तत्सम शब्द तद्भव शब्द तत्सम शब्दों का ही परिवर्तित रूप होते हैं। यहाँ शब्दों की सूची में हम तत्सम शब्द तद्भव शब्द दे रहे हैं, जिनसे आपको ज्ञात हो कि कौन सा शब्द वैदिक समय में किस तरह उच्चारित किया जाता था और आज वह तद्भव के शब्द के रूप में किस तरह प्रचलित हो गया है। आ आ से शुरू होने वाले, अब जो रूल्स हैं थोड़े से हम आपको वो बताएंगे। आम्र आम,
आश्चर्य अचरज, अक्षी आँख, अमूल्य अमोल। देखिए आम, आश्चर्य अचरज, अक्षी आँख, अमूल्य अमोल, अग्नि आग, अंधकार अंधेरा, अगम्य अगम, अकस्मात अचानक, आलस्य आलस, अर्शु आंसू, अक्षर अक्षर, अंगरखा अंगरक्षक, आश्रय आसरा, आशीष आशीष। ये वाले शब्द आप जो ये वाले शब्द हैं ये प्रयोग नहीं करते, आप इन सब का प्रयोग करते हैं। अशात अशात, अस्सी असा, ओष्ठ ओठ, अमृत अमीय, अंध अंधा, आद्र आधा, अन्न अनाज, अक्षवाट अखाड़ा, अंगुष्ठ अंगूठा, अक्षोट अखरोट, अट्टालिका अट्टारी, अष्टदश अठारह, अंगणित अनगिनत। देखो यहाँ अंगणित है या अनगिनत है। अद आज, अम्लिका इमली, अमावस्या अमावस, अर्पण अर्पण, अन्यत्र अनंत, अनार्य अनाड़ी, अज्ञान अजान, आदित्यवार इतवार, आम्रचूर्ण आमचूर, आमलक आंवला। देखिए अब आपने जो ये किए, ये सारे हमारे तद्भव शब्द हैं, ये हमने संस्कृत से उठाए और इनको हमने चेंज किया है, ठीक है। इसके आगे आइए एकादश ग्यारह। एकादश को आप संस्कृत में क्या बोलते हैं? ग्यारह। एला इलायची, एकत्र इकट्ठा। ये वाला शब्द तो आप हिंदी भाषा में अधिकतर यूज भी करते हैं। रिच, रिच पहले ऐसे लिखा जाता था, अब रिच ऐसे लिखा जाता है। कुपुत्र, पहले कुपुत्र बोलते थे, अब कपूत। कर्म, कर्म काम होता है, पहले हम करते थे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म काम, अब काम। काके काक, कौवा। कपोत कबूतर। कदली केला। कपाट किवाड़। कीट कीड़ा। कूप कुआं। कोकिल कोयल। कर्ण कान। कृषक किसान। कुंभार कुंभकार। बर्तन कार, बर्तन बनाने वाला उसको हम कहते हैं कुम्हार। कटु कड़वा। कक्षु को, कुक्षी को। कलेश कलेश, ठीक है। अब देखिए आपने ये सब पढ़े और इन शब्द में ये का खा से शुरू होने वाले शब्द हैं, ठीक है। इनको, इनके तद्भव जो नए रूप बने हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कतार कायर, कुठार कुल्हाड़ा, कटु कड़वा, किंचित कुछ, कुक्षी कोक, करपट कपड़ा, खटवा खाट, ग्रह ग और घ से शुरू वाले, ग्रह को हम घर कहते हैं, गाम ग्राम गाम, गर्दभ गधा, ग्रीष्म गर्मी, ग्राहक ग्राहक, सो गो गाय, गाजर गाजर, ग्रंथि गांठ, गोधूम गेहूँ, गोरा गौरा गोरा, गृद गिद, गायक गवैया, ग्रामीण गवार, गोमय गोबर, गृहिणी घरनी, ठीक है, गोस्वामिनी गुसाई आदि, ठीक। इसके बाद जो घास है, घास है, बस आज हम आपको इसमें आपका सिलेबस से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम आपको बस आज इतना ही करवाएंगे कि ये वाले जो शब्द हैं हमें बस ये पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और उनका तद्भव रूप क्या होता है। तत्सम शब्द संस्कृत से उठाए हुए सेम शब्द जिनको आज हम सेम यूज़ करते हैं, और तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा से उठे हुए थे उन्हें हमने अपना हिंदी भाषा में नया रूप दे दिया, उसको परिवर्तित कर दिया। अब देखो तत्सम शब्द में कई शब्द हैं जो आप संस्कृत में पढ़ते हैं हिंदी में अलग पढ़ते हैं। अगर आपने मुख पढ़ा तो आप हिंदी में मुख नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे। आपने हिंदी में पढ़ा होगा केवल मुँह। कृषक, कृषक संस्कृत शब्द होता है, उसका अर्थ होता है किसान, ठीक है। अगर आपको इसमें और कोई समस्या आए तो आप हमें बताना, हम आपको और तत्सम तद्भव शब्दों को निकाल के देंगे। जैसे इसमें कुछ मुश्किल शब्द भी हैं लेकिन आप उन्हीं की लिस्ट बनाना जो आपको बहुत आसान लगे, जो आपके सिलेबस में हो, आपने पढ़ रखी हो, ठीक है। इसके बाद
हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।